हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं क्लास वन में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, विशेषकर क्लास वन के बच्चों को, कि जब मैं क्लास लेती हूँ तो आप अपने साथ नोट कॉपी यानी चार लाइन की कॉपी अपने साथ रखें और आप नोट में लिखते जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नीचे क्लासों यानी एलकेजी और यूकेजी में सुने हैं और पढ़े होंगे अल्फाबेट्स के बारे में, तो चलिए हम और अच्छी तरह से अल्फाबेट के बारे में जानें और समझें। बच्चों, हम जितनी भी बातें करते और लिखते हैं वे कुछ अक्षरों से मिलकर बनती है। अक्षर जिनको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं या हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन अक्षरों की संख्या सीमित होती है और इनसे बनने वाले शब्द असंख्य होते हैं। इन सभी अक्षरों को वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स की संख्या 26 होती है। ये अक्षर है, लेट अस से टुगेदर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ए पूरा अल्फाबेट्स 26 होते हैं। ये सभी 26 अक्षर दो भागों में बटे होते हैं। तो पहला हम देखते हैं वॉवल्स के बारे में। वॉवल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। There are five vowels. ये पांच अक्षर होते हैं। Let us raise our right hand and count your fingers. 1, 2, 3, 4, 5. तो कितने अंगुलियां हैं अपने हाथों में? 5. तो vowels भी हम लोग देखते हैं कि 5 vowels हैं। एक और कौन vowels हैं? A, E, I, O, U. तो ये 5 वॉवल्स हम लोग किसी भी शब्द बनाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं। बिना वॉवल्स के कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं। इन्हें स्वतंत्र पूर्वक बोला जा सकता है। ये व्यंजन अक्षरों को बोले जाने में भी मदद करते हैं अर्थात हिंदी की मात्राओं का काम करते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, ए, ए इज फॉर एप्पल, तो ए एप्पल शब्द में ए वबल है और ए लास्ट में ई वबल है। तो सभी शब्द में हम लोग ए वबल का प्रयोग करते हैं। बिना वबल का कोई भी शब्द नहीं बनता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो क्या है कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का अर्थ है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो ए व्यंजन क्या है हम लोग देखेंगे। ए व्यंजन 21 अक्षर होते हैं। तो ए 21 अक्षर कौन कौन से हैं? तो हम लोग अभी वॉवल्स आगे हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग ये 5 वॉवल्स को छोड़ करके ये सभी 26 अक्षर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स।
तो हम लोग जब भी हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो एक फाइव वॉवल्स को हम लोग हटा करके एक बाकी अक्षर पूरा हम लोग देखेंगे। ओ है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एक क्या है 21 अक्षर, एक क्या है कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। इन्हें किसी ना किसी अन्य अक्षरों की सहायता से बोला जाता है। कोई भी व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है, इन्हें किसी ना किसी अन्य अक्षरों की सहायता से बोला जाता है। तो आज का होमवर्क होगा कि वॉवल्स कितने प्रकार के हैं और कौन कौन, और कॉन्सोनेंट्स क्या है और कौन कौन। तो आप ये दोनों को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अबाउट द कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। एज यू नो एंड यू हैव लर्न इन क्लास LKG एंड UKG द कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। सो प्लीज इन योर नोट कॉपी प्लीज राइट वंस अगेन। दूसरा पेज में हम लोग देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के नाम या पद का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल लेटर्स में होते हैं। तो आप इन अक्षरों को पढ़िए, मोहन, सीता, देवी, कलेक्टर, मेजर, प्रिंसिपल आदि। तो ये सभी अक्षरे जब शुरू में अक्षर लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ जितने भी यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं आप इन्हें पढ़ें और समझें। आप लोगों का होमवर्क होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तीसरा, कॉन्सनेंट्स कितने और कौन कौन से होते हैं। चौथा, वॉवल्स कितने और कौन कौन से होते हैं। पांचवा, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिक्स, हिंदी में लगाए जाने वाली मात्राओं का नाम का काम अंग्रेजी के कौन कौन से अक्षर करते हैं। थैंक यू।